हेलो एवरीवन, डीमार्ट से सस्ते प्रोडक्ट कैसे बेचें। दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी से बात करता हूं और मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट आता है जो मुझे लगता है कि उस पॉइंट को क्लियर करना, उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन देना उन पार्टिकुलर शख्स को बहुत ज़रूरी है, साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि उस पॉइंट को मैं एक वीडियो की फॉर्म में आप सबके लिए भी लेके आऊँ, ताकि आप सब लोगों को भी उस पॉइंट के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी हो सके, बिज़नेस की आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके। ऐसा ही कुछ केस अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ कि मेरे पास एक फ़ोन आता है जिस पर एक शख्स हैं जो ये जानना चाहते थे कि उनकी अप्रॉक्सीमेट 1,200 करीब की कोई एक उनकी शॉप थी, अपनी स्टोर सुपरमार्केट काइंड ऑफ चला रहे थे, मिनी सुपरमार्केट। वो कॉल करते हैं और मालूम करते हैं कि सर, मुझे ना अपने स्टोर के अंदर, अपने सुपरमार्केट के अंदर डीमार्ट से सस्ते प्रोडक्ट बेचने हैं, बिग बाजार से सस्ते प्रोडक्ट बेचने हैं, तो मैं कैसे बेचूँ आप बताइए। वो क्वेश्चन सुनने के बाद दोस्तों, मैं कुछ देर तक चुप रहा और मैं सोचता रहा कि इस क्वेश्चन का मैं इनको क्या आंसर दूँ। मैंने उनको समझाया जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट असॉर्टमेंट करा जाता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग की टेक्निक के ऊपर काम करा जाता है। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि ये पॉइंट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब कंसर्न आते होंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर ही किसी ने एक कमेंट में लिखा था कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम डीमार्ट से या किसी भी एक सुपरमार्केट से, बड़ी सुपरमार्केट से प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर के अंदर बेचें। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस टाइप के उनके सवाल उनके दिमाग में हो, जिनको लगता हो कि हमें उनसे कैसे कॉम्पीट करना है, किस तरीके से हमें जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं उनसे सस्ते प्रोडक्ट बेचें, या उनसे प्रोडक्ट हम उनकी सुपरमार्केट से लेके सस्ते में ख़रीद के और अपने सुपरमार्केट में डालें। सो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप के बारे में बताऊँगा जिस स्टेप को फॉलो करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और ये स्टेप दोस्तों बहुत बेसिक स्टेप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की, आपकी पर्सनल ज़िंदगी की, ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना हमें हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेप है लर्निंग, सीखना। प्रॉब्लम क्या हो गई है ना दोस्तों, कि जनरली हम लोगों ने अपने स्कूल और कॉलेज के बाद जो है ना वो सीखना ही छोड़ दिया है, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, हमने लोगों से, लोगों के अनुभव से, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना ही छोड़ दिया है। और इसी वजह से क्या होता है कि हमको आम तौर से ऐसा लगता है कि हमें सब मालूम है, और उसी एक भ्रम के अंदर, उसी एक ऑरा के अंदर जो स्टेप लिए जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट किसी चीज़ के प्रॉन्स और कॉन्स जाने हुए। सो डेफिनेटली जब बेस फाउंडेशन ही गलत हो जाती है तो उस बिज़नेस के स्टेप के अंदर, उसके सक्सेस के अंदर, या किसी भी आपके पर्सनल लाइफ के स्टेप के अंदर आपको सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने सारे कॉन्टेंट में इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और मैं हमेशा आप सब लोगों से ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्टेप अगर किसी भी चीज़ के अंदर एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, सो वो लर्निंग को सबसे ज़्यादा टाइम दें। क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक हर एक चीज़ के अच्छे बुरे के बारे में समझेंगे नहीं, आपको उस चीज़ में सक्सेस पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो आपको सबसे पहले ये करना है, पहले स्टेप के अंदर, कि आपको सीखना है। आप जिस बिज़नेस में भी जाना चाहते हैं उसके बेसिक फंडामेंटल को सीखिए। सेकेंड स्टेप है फॉलो, प्रैक्टिस। अब अगर आपने उस चीज़ के बारे में सीख लिया है तो आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस में भी अगर अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले बेसिक फंडामेंटल को जब आप सीखते हैं, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, आप लोगों से मिलना चालू करें, आप देखेंगे जो आपने चीज़ें लिस्ट बनाई हैं, जिस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को फाइनल करा है, जिस तरीके से आपने रैक के लेआउट को फाइनल करा है, उसका क्या कॉस्ट आ रहा है, वो किस तरीके से मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कैसे मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं मैन पावर को हायर कर सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना, उसका एक मॉकअप करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन स्टेप को फॉलो करेंगे जो आपने सीखा है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अब उसके अंदर एक निखार, उसके अंदर और लर्निंग और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आपको समझ में आएगा कि जो सीखने के बाद अगर प्रैक्टिकलिटी में जब आप उस चीज़ को एक वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर क्या चीज़ें और नई सीखने को मिल रही हैं। और थर्ड स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास अब पूरा नॉलेज है, आपने उसको प्रैक्टिकलिटी में करके देखा, उसको एक्सपीरियंस करके देखा, और अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सोचिए अब आपके सक्सेस होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही एक बेसिक सीक्रेट है दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को एक सक्सेस की तरफ लेके जाने का। दोस्तों ये तीनों स्टेप किसी भी बिज़नेस की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये स्टेप सिर्फ एक किसी न्यू कमर के लिए नहीं है। अगर वो जो एस्टैब्लिश कंपनी है, आप अगर उनके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे, उनके जब किसी भी बिजनेस को, किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करने वाले पहले प्रोसेस को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि उनको मालूम होता है
कि जब कभी भी कोई एक सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई एक सेटअप लगाने जा रहे हैं, सो वो सिर्फ एक दो दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो उससे पहले वो लर्निंग के ऊपर, उसके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर उसको फॉलो करके और देन इम्प्लीमेंटेशन में एंटर करते हैं। वही जो मैं आम तौर से देखता हूँ, जो न्यू कमर होते हैं, इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ एक आइडिया आता है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए चले जाते हैं। इन कंपनीज को, डी मार्ट को, बिग बाजार को, रिलायंस को, आज जिस स्टेज पे ये लोग खड़े हैं, इनको यहाँ पर पहुँचने के लिए 20 साल 30 साल 40 साल का टाइम लगा है। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें इनके जैसा बिजनेस करना है तो हमें 20 साल नहीं लगाने हैं, हमें 30 साल नहीं लगाने हैं, हमें इनसे सीखना है। ये लीडर्स हैं, जो बिजनेस के, कोई भी बिजनेस के जो लीडर्स होते हैं, हमें उनसे कॉम्पीट नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली आप उनसे कॉम्पीट कर भी नहीं सकते हैं। आप ये देखिए, जो डी मार्ट है, बिग बाजार है, जितने भी रिलायंस ऐसे जो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, उनके सेंटर का साइज देखिए, उनके नंबर ऑफ सेंटर देखिए। 1000 स्क्वायर फीट वाले सेंटर के ऑनर का मालिक अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो 50,000 स्क्वायर फीट के सेंटर से प्राइजिंग में टक्कर लेने की सोचे, तो वो अपने आप में सोच ही गलत है। और वो उनका सिर्फ एक सेंटर नहीं है, ऐसे उनके 200 250 300 500 सेंटर हैं। आपका एक्चुअल कंपटीशन स्टार्टिंग में ये कंपनीज नहीं है। मैं अपनी कंसल्टेंसी में भी इस चीज़ को अपने कस्टमर को बताता हूँ कि आपके कंपटीशन ये लोग नहीं है। आपका जो मेजर कंपटीशन है, आपका जो भी कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर आपके साइज का स्टोर कौन सा है, वो आपका मेजर कंपटीशन है। आपका जो कंपटीशन है वो आप खुद हैं। आप खुद कितना उस बिजनेस के बारे में जानते हैं, कितना उस बिजनेस की बेसिक प्रैक्टिकलिटी को आप समझते हैं, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना, इसके ऊपर काम करना और फिर जाके अपने बिजनेस को खड़ा करना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू आप एक इस्टेब्लिश प्लेयर से डायरेक्ट जाके और एक कॉम्पीट करने के बारे में सोचते रहें। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, आपको अपने कॉम्पिटिशन के बारे में, आपका असल कॉम्पिटिशन कौन है उसके बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप कि आप ये तीनों स्टेप्स को अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करें। अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने बिजनेस के सेटअप जो आपका एग्जिस्टिंग है उसको अच्छी तरह से संवारने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ के लिए आप इन स्टेप को फॉलो करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सब फॉलो करने के बाद आपका बिजनेस ग्रो करे और आप अपने ऐसे ही सक्सेसफुल की तरफ जाएं। और अगर आपको लर्निंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, सो आप अगर कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के सारी चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल सुपरमार्केट को कैसे खड़ा करा जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर जाके हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।